हेलो माय ब्यूटीफुल एंड क्रेजी पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा वेट फाइनली पूरा हुआ, टीजर आ गया। यू नो वेट तो गाने पे पूरा होगा, गाना जब आ जाएगा, लेकिन फाइनली टीजर आ गया है सोलमेट का एंड आई एम सुपर एक्साइटेड देखने के लिए। और मैं देखने वाली हूँ कि एक तो उन्होंने ड्रेसेस क्या क्या पहने हैं और कितने पहने हैं, दूसरा मैं देखने वाली हूँ स्टोरी लाइन क्या रहेगी। हम गैस करते हैं, ठीक है, कि क्या स्टोरी लाइन है और गाना जब आएगा तो क्या स्टोरी लाइन मिलेगी। देखते हैं कौन सही गैस कर पाता है और मेरा गैस भी आप लास्ट में सुनिएगा। तो फिलहाल तो हम टीजर देखते हैं, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके मुस्लिम कम्युनिटी, मेरी आज की वीडियो देखना, जो रिएक्शन वीडियो मैंने बनाई है, दोनों आज मैंने दो रिएक्शन वीडियोस इससे पहले डाले, उन दोनों में देखना। मैंने यही गैस किया था, 8th और 9th मैंने गैस किया, फिर मैं 9th और 10th गैस किया, लेकिन मैंने फिर भी उस वीडियो में भी पर्टिकुलर बोला है कि मेरे को 9th ज्यादा लग रहा है, कि 9th ज्यादा चांसेस हैं कि 9th को आएगा। देखना, अगर कोई मेरी रिएक्शन वीडियोस देखता होगा ना उसको भी पता होगा। पहली बात तो मैं इसी चीज पे खुशी मचा। दूसरा, मुस्लिम कम्युनिटी मतलब दोनों का अपना अपना कल्चर दिखाया है, और ये चीज ना मेरे को जो पोस्टर था ना टीजर का उससे भी समझ आया, बिकॉज आयुष के साइड में वो मंदिर टाइप है। देखो जो टीजर का जो पोस्टर है ना, जो टीजर की थंबनेल है उस पे देखना, आयुष वाले साइड में वो मंदिर है और अलीजे का पूरा वो मुस्लिम वाला, जैसे वो दुआ करते हैं वो वाला लुक है। और ये मैंने बड़े उससे देखा, फिर मेरा थोड़ा सा ध्यान गया कि शायद इस तरफ में कोई स्टोरी होगी। और टीजर में एक बार और देखूं यार, फिर मैं बताती हूँ कि मेरे को कैसा लगा ना। स्कूल या कॉलेज गोइंग तो है, पहले तो दोनों का कल्चर दिखा है, ये तो हिंदू कल्चर है, लड़ाइयां भी हुई है, ये तो जैसे उनकी रेस होती है वैसे हो जाते हैं। ये कॉलेज गोइंग, घर से दूर रहते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज की लव स्टोरी, कॉलेज की लव स्टोरी है कि ये है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है स्टोरी कुछ ऐसा होगा, स्टोरी कुछ ऐसी होगी। अलीजे जो है वो कॉलेज गोइंग गर्ल होगी, जो अपनी फैमिली से दूर रह रही होगी, ठीक है, और वो मुस्लिम होगी, लड़का हिंदू होगा, और उसको प्यार हो जाएगा कॉलेज में या कैसे कुछ, पर आयुष दिखा कैसे ये तो समझ नहीं आया, पर वहां प्यार हो जाएगा, वहां से रिलेशनशिप शुरू होगा और लास्ट में उसकी शादी करने वाले होंगे। नहीं नहीं नहीं, रुको, ये हो सकता है कि आयुष अलीजे मतलब कि हैं, दोनों हैं, प्यार है दोनों में, लेकिन दोनों का कल्चर अलग, मतलब रिलीजन अलग है ना, कल्चर नहीं रिलीजन अलग है, हिंदू मुस्लिम करके वो हैं, और लड़की कहीं और शादी वो करवाने वाले होंगे उसके घर वाले, लेकिन आयुष वहां से उसको ले जाएगा, भगा ले जाएगा। और अलीजे जो रोने वाला सीन था, अलीजे रो के उसको बता रही होगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है ना, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है यार, मेरे को तो इतना ही समझ में आया इससे कि ये हो सकता है। फिर वो अपने घर उसको लेके आता है और वो कपड़े सुखाने वाला सीन उसके बाद मिलेगा शायद ना, है? आपको क्या लगता बताओ ना, मुझे यही लगता है कि आई होप सो जिस दिन गाना आएगा ना उस दिन आपको पता चलेगा मेरी ये स्टोरी कितने हद तक ठीक थी, पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो अलग अलग शादी करवाने वाले होंगे, बट फिर वो उसको ले जाएगा, यू नो उनकी लड़ाई हुई होगी तो उसकी अलग से शादी करवा रहे होंगे, फिर वो रो के बताती है कॉल पे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और फिर वो है। आपको क्या लग रहा है यार, मैं खुशी के मारे क्या ही बोलू, पर मेरे को बड़ा मस्त लग रहा है यार, बहुत मजे आ रहे हैं। अच्छा आउटफिट कितने पहने मैंने, एक तो ये मार्केट का है, ये वाली दो तीन चौथा ही है चलने वाला, रील्स पे भी ऐसे दिखती है, घर पे ऐसे
और मेरे को एक और चीज जो अच्छी लगी ना यार, कोई भी लाइन रिवील नहीं हुई लेकिन ना गाने की. अच्छा एक और चीज जो अच्छी लगी, लास्ट में जो फीचरिंग लिखा आ रहा है ना उसमें अलीजे का नाम पहले आ रहा है, आयुष का नाम बाद में आ रहा है. वरना ज्यादातर क्या होता है, लड़कों का नाम ना वो पहले आता है और लड़कियों का यू नो बाद में आता है करके ऐसे ना. बट यहाँ पे आयुष ना अलीजे का नाम पहले आ रहा है, वो चीज मेरे को अच्छी लगी यार. मेरे को ऐसा लगता है मैं बोलती जाऊँ बिकॉज ना मैं टीजर नहीं भी देख रही फिर भी दिमाग में वो टीजर चल रहा है, ऐसे है ऐसे है. Oh my God. आपकी क्या स्टोरी है, मतलब आपको क्या लगता है क्या स्टोरी होगी वो मुझे कमेंट करके बताइएगा. और टीजर हिट जाने वाला है यार, बहुत मस्त टीजर है, बहुत ज्यादा. और मेरे को पता है कि ये तो हिट जाने वाला है और जाना भी चाहिए, जितनी मेहनत उन लोगों ने करी है. और आई विश कि मेरी जो मैंने स्टोरी बताई है कि मेरे को ये लग रहा है वो भी रियलिटी में हो, मतलब रियलिटी निकल के आए. और एक और बात, अलीजे के ज्यादा सीन है टीजर में, तो गाने में देखते हैं किसके ज्यादा होंगे. बिकॉज आयुष का तो एक तो ले जाने वाला है, एक वो झगड़ा करता है वो वाला है, और क्या है, एक वो चल के आते हैं वो वाला है, और एक वो खड़ा है वो वाला है ना. अलीजे के पहले वो मस्जिद वाला है शायद, है ना. उसके बाद झगड़े वाले में भी है, सिर्फ खड़े हुए वाले में अलीजे नहीं है, और इसके अलावा कपड़े सुखाने वाले में भी. हाँ दोनों का है, इक्वली है. बट अलीजे यू नो मेरे को लगता है स्टोरी ज्यादा हाईलाइट मतलब लड़की के उससे होगी, मुझे ये पर्सनली लग रहा है, क्योंकि एक मुस्लिम लड़की थी एक लड़का, मतलब ऐसे एक होता है ना जो मेन हीरो है आई थिंक वो अलीजे मिले. वैसे तो दोनों ही है हमारे लिए हीरो हीरोइन, बट मुझे ऐसा लग रहा है. मैं पता नहीं कितने गैस मारती रहूंगी यार 9th of August तक, तो बहुत सारे गैसेस मार लूंगी मैं ऐसे तो. बट आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. और एक दो बार और टीजर देखने वाली हूँ मैं, 3-4 बार तो मैंने ऑलरेडी देख लिया है, 3 बार देख लिया ना, इसके बाद भी देखने वाली हूँ अच्छे से, छोटी छोटी बारीकियां ना फिर से. बट एक वो नोटिस करा, वो रुद्राक्ष की माला थी और ऐसे उसने किस करा था, जो आई थिंक वो आयुष ने दी होगी ना अलीजे को, नहीं मतलब गाने में दी होगी लग रहा है. बट देखते हैं उस दिन पता चलेगा 9th of August को. सो लेट्स गो एंड यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मेरा मन तो नहीं कर रहा बंद करने का, बट यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ यू डू देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.